हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सीतू पटेल टिप्स फॉर वुमेन। और फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाने के लिए कच्चे पपीते के फ़ायदों के बारे में। फ्रेंड्स, इम्यूनिटी सिस्टम कमज़ोर तब होता है जब आपके शरीर में विटामिन की कमी हो जाती है। पपीते के बारे में हम सभी जानते हैं कि ये कितना ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं स्वास्थ्य के लिए। इसमें बहुत सारे विटामिन होते हैं, ये विटामिन सी का अच्छा स्रोत होता है। इसके साथ ही विटामिन ई भी इसमें पर्याप्त मात्रा में होता है। बहुत सारे विटामिन होने के साथ साथ इसमें खनिज तत्व भी पर्याप्त मात्रा में होते हैं। मैग्नीशियम और पोटेशियम की अच्छी मात्रा इसमें होती है, जो कि हमारे शरीर को स्वस्थ रखने का काम करती है और हमारे शरीर के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद भी होती है। पर्याप्त मात्रा में यदि आप विटामिन का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो इससे आपका इम्यूनिटी सिस्टम यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता कमज़ोर हो जाती है, जिसके कारण आपको कई सारी बीमारियां हो सकती हैं। खास तौर पर जो वायरल और फ्लू जैसी समस्या है वो बनी रहती है। मौसम के चेंज होते ही आप बीमार पड़ जाते हैं, ये होता है आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता का कमज़ोर होने की वजह से। और इसी तरीके की कई गंभीर बीमारियाँ भी आपको घेर लेती हैं, इसलिए इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत रखना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसके लिए अगर आप कच्चे पपीते का सेवन करते हैं तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होगा। फ्रेंड्स, कच्चा पपीता हो या पका हुआ पपीता हो, दोनों में ही गुण समान मात्रा में होते हैं। इसके गुण कम नहीं होते, क्योंकि कच्चे पपीते में विटामिन ई, सी और ए भरपूर मात्रा में होता है, जो कि हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत बनाने का काम करता है। यानी कि अगर आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी होती है तो आप बार बार बीमार नहीं पड़ते हैं और आपका शरीर हमेशा स्वस्थ रहता है। तो फ्रेंड्स, इसके लिए कच्चे पपीते का सेवन करना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होगा। यदि आप कच्चे पपीते का सेवन करते हैं तो ये आपके स्वास्थ्य के लिए बेहद ज़रूरी होगा। फ्रेंड्स, इसके साथ ही आप चाहें तो कच्चे पपीते को सलाद के रूप में खा सकते हैं, या फिर इसकी चटनी या फिर सब्जी बनाकर भी खा सकते हैं। ये आपके शरीर को स्वस्थ रखने के साथ साथ आपको पेट को भी स्वस्थ रखने का काम करता है। आपको पेट संबंधित समस्याएं नहीं रहती हैं और आपका पाचन तंत्र भी मजबूत बनता है। तो फ्रेंड्स, ये थी छोटी सी जानकारी, उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आई होगी। इस तरह की और जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल के आइकन को जरूर ऑन कर लें, ताकि जब भी हम इस तरह की वीडियो आपके लिए लेकर आएँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और वो वीडियो आप सबसे पहले देख पाएँ। और फ्रेंड्स, अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें।